जनता अगर प्या मई ना प्रत्याशी वो संजय गारी दे दी। अच्छा वाले बोर्ड नहीं देने पिया ही नहीं मैं। ऐसा था आपके गांव में दुकानदार यहाँ तेरा सुनते रह जा चीज भाई जब तो फिर बेचारे अगर प्रत्याशी वो पैसे लेके अगर वो बोर्ड खरीदेंगे तो लाएंगे कहाँ से? अल्लाह खर्च करेंगे वो विकास कहाँ से करेंगे? तो फिर जिम्मेदार तो जनता, जनता ऐसे प्रत्याशी को भेजे चुनके जो पैसे ना खर्च करे जो ईमानदार हो। मोहरा पेशाब करना है जी। तो फिर जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं, आप लोग हैं जिम्मेदार सब हैं। आप बताइए क्या होना चाहिए प्रधान में, कौन सी खूबी होनी चाहिए जो प्रधान बनाएंगे आप? प्रधान वो ही बढ़िया जो गांव देखे। गांव तो सभी देखे। हाँ, ना ही बहुत देखत गांव। अच्छा, पिछले वाले चुनाव गांव वो प्रधान नहीं, उन्होंने गांव देखा था नहीं? तो पिछली बार यही रहे थे प्रधान, गांव देखा नहीं? हाँ देखा। तो उन्हें फिर से चुनेंगे? और क्या, उन्हें चुने? नहीं, जिला पंचायत सदस्य इससे पहले कौन रहा? इससे पहले वो राम किशोर है, कनेंग के राम किशोर। अच्छा, कैसा काम कराया जिला पंचायत का? होता ही वही काम करा मैं। फिर आप चुनते क्यों उन्हें? आप वो बोर्ड मांगने आते हैं तो उनसे आप कहते नहीं कि आप कोई काम नहीं कराएं, फिर हम आपको क्यों चुनाएं? जिला पंचायत में कोई काम ही नहीं आता तो कराएं क्या? वो नहीं आता आपको? जिला अध्यक्ष जो कोटा करवाए दे तो करवाए दे। जिला अध्यक्ष को चुनता जिला पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्य को आप लोग चुनते हैं। तो अगर जिला पंचायत सदस्य अगर आप अच्छा चुनेंगे, जिला अध्यक्ष की माफी को जो पंचायत सदस्य हुई वही तो काम करवाई पाई। माफी कैसा होता? माफी आप हमने वोट दिया, आप हार गए। वो होता जो पैसे लेके वोट नहीं डालता, जो पैसे लेके वोट डालता है आजकल सभी लेते हैं। और क्या, पैसे कौन नहीं लेता? आप जो प्रत्याशी चुन के भेजेंगे वो पैसे लेगा? पैसे सब लेते हैं, लेंगे क्या? सबसे अधिकारी भ्रष्ट है। कौन? सब अधिकारी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो है कि जो भ्रष्ट न हो। सब अधिकारी भ्रष्ट है। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार होता है? हर जगह अधिकारी, कोई भी हर डिपार्टमेंट देखो, कोई भी डिपार्टमेंट आप देख लो अधिकारी भ्रष्ट है। अधिकारी भ्रष्ट है? हाँ, नेता सही है, नेता भी गलत है, नेता और अधिकारी दोनों भ्रष्ट है। पब्लिक सही है? पब्लिक सही है अपनी जगह, पब्लिक सही है। पब्लिक ऐसे नेताओं क्यों चुन के भेजती है? गरीब आदमी की गर्दन पर छुरी चलाई जा रही। पब्लिक नेताओं को भेजता कौन है? भेजत तो पब्लिक है। तो फिर? हाँ, फिर पब्लिक सही नेता भेजे, लेकिन अधिकारी की जब तनख्वाह मिल रही है फिर क्यों वो गद्दारी कर रहे? छोटे आदमी की पर्ची नहीं मिल रही, बड़े आदमी को पर्ची, आपको पर्ची नहीं मिल? छोटे आदमी को मिलती है तो 12वें पर्चा में लगाई दें, आज भी नई पर्ची मिल रही। आपसे क्या कहा गया? हमसे कहा कहोगे? मतलब आपकी जब पर्ची लेने गए तो क्या कहा गया? पर्ची का कोई देना देती है? मतलब 12वें पड़ता भाई, जब कमाऊ बंद हो जाए मिल तो भाई। अच्छा, और कहा? तो किसी नेता शिकायत की आपने जिसे नेताओं को चुन के भेजा? नेता कोई सुनता ही नहीं है। विधायक आपने चुन के भेजे नहीं? विधायक है, सांसद है, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, सभी को आप ही लोगों ने चुन के भेजा कि नहीं भेजा? बता जा, सब भ्रष्टाचार मचो पर हो। हाँ, जनता जब वोट डालने जाती वो भी पहले देखती है हमारा जाति का नेता कौन है, फिर कहती काम करे, काम कैसे करेगा जब आप अपनी जाति का देखेंगे? नेता जाति बात तो चले। जब आप लोग वोट डालने जाते हैं तो आप लोग देखते हैं हमारी जाति का नेता कौन है, पैसे कौन खर्च कर रहा है, उसे आप वोट डालते हैं सभी लोग। बाद में सब पैसे ही जानना, चाहे जाति को चाहे गई जाति को। जब वोट डालने जाते हैं तो ये देखते हैं पैसा कौन खर्च कर रहा। पहले क्यों पूछेगा? पहले तो पैसे लेती है। अरे 90% जनता जो है वो कहती है हम तो पैसे लेके वोट डालेंगे। पब्लिक उसे ही चाहती जो खूब खर्चा करे, दारू पिया भाई, खवावे पिया। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? जनता ही शुरुआत। ये आप ही बता रहे जनता सही है? नहीं, जनता सही कोई ना है, जनता भी नहीं सही है। सही जनता तो भी सब एक ही जैसे हैं। हाँ, तो शिकायत कौन करेगा भाई? रुको जरा एक मिनट बताइए। जैसे आप जनता, हम जनता है। हाँ, अब हम चुन के जाए भ्रष्ट हुई जाए, फिर आप चुन के गए भ्रष्ट, तो हम तो सब जनता ही, मतलब सब एक ही जैसे हैं। अधिकारी का जनता नहीं, वही जनता ही। मतलब जिसको मौका नहीं मिल रहा वही खाली ईमानदार है, वही ईमानदार है, वही चिल्लाता है मौका नहीं मिल रहा। जैसे मौका भी चूकत कोई ना, चाहे जनता को चाहे कोई हो। आप बताइए, ये आप कह रहे थे जनता सही है? जनता भी जनता है, हमें है जनता, हमें अधिकारी, हमें है नेता, सब भ्रष्ट है, जनता से लेके नेता तक सब भ्रष्टाचार मचो पर है भाई। मतलब जिसको मौका नहीं मिल रहा वही है टक्कर में। ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो चुनाव में मान लो अपने बराबर ही टक्कर नहीं लड़ रहा है, सब टक्कर में टोटल। मतलब जो जनता ये कहती जो पैसे ज्यादा खर्च करेगा वही टक्कर में नहीं कर रहा है, पैसे कोई नहीं खर्च। और क्या, फिर कैसे टक्कर में? जाति का है, कौन कहता पैसा कौन खर्च कर रहा? कोई कहा कौन सा प्रत्याशी? बाबा कह रहे थे, बाबा भी बता रहे थे कि वो जनता यहाँ पे चिल्लाती है कि जो हमें पिलाएगा नहीं उसे वोट नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी है। कोई ऐसा प्रत्याशी एक बताओ जो पैसा मतलब खर्च कर रहा है, कौन पैसा खर्च कर रहा है? पैसा खर्च कौन नहीं करता, कौन सा प्रत्याशी? ये सही कह रहे भैया कि पैसे कोई नहीं खर्च करता कोई प्रत्याशी।
कोई प्रत्याशी पैसे नहीं खर्च करता और क्या पैर है खर्च मान ले थोड़ा बहुत तो कत्ता ही सबाई को है राजीपुर निवास साल भर से पिया दारू अरे साल भर से बता रहा पिला रहा दारू और फिर पैसा पैसे बिना पैसे पिला रहा क्या ऐसा किसी पे अगर हमको दिखे कि पैसा खर्च करा है किस पे खर्च करा दारू पे थोड़ी खर्च करा जाता है तो पैसा खर्च होता है और कहाँ खर्च होगा पैसा दिखना चाहिए पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है दिखता हो जो रात में जो लोग गाली देते होंगे दिखता होगा नहीं दिखता है भाई इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भावलखेड़ा ब्लॉक से दिलावरपुर देवकली ग्राम पंचायत से प्रधान प्रत्याशी रवि कुमार राठौर जी इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये गाँव के विकास के लिए क्या करने वाले हैं तो रवि जी हम आपसे एक पत्रकार की तरह बातचीत नहीं करेंगे हम आपसे बात करेंगे कि हम आपसे आपके गाँव के वोटर हैं जी जी तो पहले तो आप ये बताइए कि हम आपको वोट क्यों दें और भी प्रत्याशी हैं उनको छोड़ के आपको ही वोट क्यों दें हमारे हमको इसलिए जनता देगी मैं काम करता आदमी हूँ एक हम समाज सेवक हैं पूरे गांव का काम करते हैं हम जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी लोग यही कहेंगे कि मैं काम करता हूँ एक समाज सेवक हूँ आपको ही स्पेशल क्यों वोट दिया है कुछ ऐसा स्पेशल काम बताइए जनता से पूछ लीजिए जनता से मैं पूछ चुका हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए मैं आपको ही वोट क्यों दूँ ये बताइए आप हमें वोट दो मैं आपका सम्मान करेंगे आपका जो विकास होगा वो करेंगे आप जो परेशानी में हो वो मैं आपकी परेशानी हल करेंगे इतना काम करेंगे ये सभी प्रत्याशी बोलेंगे चलिए कोई बात नहीं गांव अगर आपको जनता मौका देती है आप प्रधान बनते हैं तो तीन सबसे बड़ी गांव की समस्या बताइए जो आप प्रधान बनने के बाद तुरंत उस पर समाधान करेंगे जी एक तो पुलिस का फैसला करेंगे हम पुलिस का फैसला मतलब जैसे पुलिस का मैटर जो गाँव में बनता है उसे प्रधान का गांव में निपटाना उसका फर्ज है अच्छा। पुलिस को आने की कोई जरूरत नहीं है मतलब पुलिस को नहीं आने देंगे गांव में बिल्कुल अच्छा। पुलिस को नहीं आने देंगे जब पुलिस हमसे नहीं निपटेगा जब पुलिस को बुलाएंगे अच्छा। ठीक है दूसरा फैसला कि झगड़ा नहीं होने देंगे अच्छा। तीसरा दारू नहीं पिलाएंगे बिल्कुल नहीं पिलाएंगे किसी मतलब कोई वोटर किसी किसी वोटर को दारू नहीं पिलाएंगे अच्छा अभी तक पिलाई नहीं नहीं एक एक ग्राम नहीं पिलाई किसी अभी तक नहीं जी नहीं 29 तारीख को चुनाव 29 तारीख से पहले तक कोई दारू नहीं दारू नहीं पिलाई बाद में भी नहीं पिएगा बाद में भी नहीं पिएगा सही कह रहे हैं ये अभी तो आप बता रहे जो प्रत्याशी हो गए चलिए ठीक है और बताइए गांव में ऐसी कौन सी जो मुख्य समस्याएं हमने आपको समस्याएं पूछी थी ये तो आपने बता दिया कि मैं दारू नहीं पिलाऊंगा समस्याएं ऐसी कौन सी हैं जिन पे आप काम करेंगे सबसे पहले समस्या गरीबी है जो पात्र है पात्र है उसको विकास दिलाएंगे सरकार से विकास दिलाएंगे विकास कैसे मतलब क्या विकास दिलाएंगे आवास है पेंशन है वृद्धा पेंशन है किसी को नहीं मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है जैसे मिल रही है किसी को अगर वर्तमान में जैसे किसी को नहीं मिल रही है तो वो हम दिलवाएंगे उसको अच्छा, जी ठीक और दूसरी समस्या है विकास दिलवाएंगे आवास है लैट्रीन है विकास कैसे दिलवाएंगे कुछ इसकी एक्सप्लेन कीजिए विकास जैसे आवास हो गया लैट्रीन हो गई वृद्धा पेंशन हो गई और विधवा पेंशन हो गई विकलांग पेंशन हो गई जैसे किसी का आधार नहीं बन रहा है तो मैं आधार बनवाएंगे उसका उसे कहने का मतलब कोई परेशानी नहीं चलिए ये तो एक काम हो गया बाकी दो काम और कौन से हैं मैंने आपसे कहा तीन काम ऐसे बताइए जो आप प्रधान बनने के बाद तुरंत हाँ। करेंगे इसमें तो कई काम आ गए सर नहीं नहीं एक काम ये तो हो गया कि आप जिसका कोई काम नहीं हो रहा है हाँ। वो आप करवा देंगे ये एक तो काम हो गया काम एक ही बार तो बोल तो दिया हमने और क्या और नालियां सड़कें ये सब सड़कें आएंगी जब सारा विकास होगा सब होगा ये तो जनता का विकास है जो तो गाँव का विकास होगा हाँ जी सड़कें आप सबसे पहले बनवाएंगे सड़कें सबसे पहले ये तो गांव का विकास है सड़कें हैं रोड है ये तो गांव का विकास है जो जनता की समस्या है उसे भी हम हल करेंगे अच्छा आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं हाँ उनका एक साल का कार्यकाल बचा हुआ है हाँ जी तो एक साल के कार्यकाल में अपने गांव के विकास के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हम कहेंगे सर हमारे यहाँ का नालियाँ बनवाइए अच्छा रोड सही करवाइए पानी की टंकी लगवाइए किसी को पानी को परेशानी ना हो बस अच्छा ये मुख्यमंत्री का भी एक साल का कार्यकाल बचा हुआ है तो आप ये बताइए गांव जो हैं गांव की आबादी 70% हमारे देश में 70% आबादी जो है गांव में निवास करती है जी, जी, जी। तो गांव में ऐसी कौन सी एक कोई योजना बताइए जो मुख्यमंत्री को एक साल में लानी चाहिए योजना लाने वाले मुख्यमंत्री जी देते हैं मगर उन्हें उन्हें लेने वाला नहीं कोई है लेने वाला कोई जी योजनाएं आती लेने वाला कोई नहीं है मतलब योजनाएं एक्स्ट्रा में है हाँ जी अच्छा कौन कौन सी जैसे कुछ एग्जाम्पल कन्यादान है वृद्धा पेंशन है विकलांग पेंशन है सारी कुछ आती है जिले पे लेने वाला कोई लेने वाला नहीं है कोई लेने वाला जी लेगा वही जो प्रधान लेगा प्रधान के जुम्मे है पूरी जनता अच्छा प्रधान को लेना चाहिए उसका काम कराना चाहिए ब्लॉक में देना चाहिए सिक्रेटरी में सिक्रेटरी को बुलाना चाहिए तब विकास होगा ऐसे थोड़ी प्रधान बन जाओ खाट पे लेट जाओ काम करो जनता पहले जो प्रधान थे वो खाट पे लेट गए थे हमें क्या पता सर
नहीं आप गांव के आप गांव के विपक्षी प्रधान है तो आप बताएंगे इससे पहले प्रधान किसी की बुराई इससे पहले प्रधान थे उन्होंने सभी काम सही करा बारे में नहीं बताएंगे हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हम सारी जनता के बारे में कह रहे हैं जी चलिए ठीक बहुत बहुत धन्यवाद।